हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूं यूको बैंक के बारे में। अगर आप यूको बैंक के कस्टमर हैं या फिर यूको बैंक में खाता खुलवाने के लिए जा रहे हैं तो रुक जाइएगा, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। जो कि मेरे साथ पर्सनली जो होगा भाई, वो मैं आपको बताऊंगा। जो है ये बात मेरी पर्सनल है, इससे आप लोग अपने ऊपर जज ना करें। अगर यूको बैंक के बारे में, वैसे हम आपको डिटेल वीडियो दे चुके हैं यूको बैंक कैसा है, इसमें खाता खुलवाएं या ना खुलवाएं, लेकिन जो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं वो मैं आपको अपनी पर्सनल राय देने वाला हूं। तो मेरे साथ क्या हुआ यूको बैंक में, मेरा कितना पैसा यूको बैंक ने काटा, तो मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। कुछ समय पहले मैंने ऑनलाइन यूको एप्लीकेशन से अकाउंट ओपन किया था। अकाउंट ओपन करने के बाद वो अकाउंट ऐसे ही पड़ा रहा, उसके बारे में मुझे कुछ बेसिस करके इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ना मेरे पास कोई इसकी पासबुक, ना ATM और ना कोई अकाउंट नंबर था। मैं उसको भूल चुका था क्योंकि वो मेरा कहीं पर भी लिंक नहीं होता था यूको बैंक का अकाउंट नंबर। लेकिन इसके बाद मेरे पास एक कॉल आता है यूको बैंक की तरफ से कि आपके अकाउंट पर आपका क्रेडिट कार्ड है वो प्री अप्रूव दिया जा रहा है, उसको आप ब्रांच में आकर के ले लीजिएगा। सो आपका प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड है तो कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं लगेंगे, आप आइएगा बस और आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। जैसे मैं अपनी यूको बैंक की ब्रांच में गया तो वहां पर मुझे बताया कि आपका क्रेडिट कार्ड आपको तभी मिलेगा जब आपका अकाउंट एक्टिव कराइएगा। आपका अकाउंट एक्टिव नहीं है, उसकी KYC नहीं है, कैसे होगा? तो वो बोले कि अपना पैन कार्ड आधार कार्ड दीजिएगा, आपका अकाउंट की KYC हो जाएगा। और जैसे मैंने पैन कार्ड आधार कार्ड दिया तो बोले इसमें आप लोग 1000 रुपये डालिएगा तब आपका अकाउंट एक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें कुछ पैसा जो है डालना पड़ेगा। तो मैंने 1000 रुपये कैश काउंटर पर जमा किया। जैसे मैंने जमा किया, 2 मिनट के बाद मेरा 200 रुपये कट गया। जैसे मैंने बोला भाई ये पैसा क्यों कट गया, तो बोले ये चार्ज लगता है अकाउंट एक्टिवेट करने का। ठीक है, उसके अलावा हमने किसी को बात नहीं, अकाउंट एक्टिवेट तो हो रहा है, कम से कम क्रेडिट कार्ड तो मिल रहा है। इसके बाद इन्होंने मेरा क्रेडिट कार्ड का फॉर्म अप्लाई किया, उसके बाद फाइनली मैं घर पे आ गया। मेरा जो ब्रांच है यूको बैंक का वो 20 से 21 किलोमीटर है मेरे घर से। तो वहाँ पर मुझे बताया गया था कि आपका अकाउंट 3-4 दिन के अंदर ही एक्टिव हो जाएगा, कल छुट्टी है तो 4 दिन लग सकते हैं, उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। तो मैंने यूको नेट बैंकिंग में लॉगिन करने की कोशिश की तो मेरा अकाउंट यूको नेट बैंकिंग में लॉगिन भी नहीं हुआ। गूगल पे फोन पे मैं लिंक किया तो भी कुछ नहीं हुआ। सो फाइनल मैं 4 दिन बाद वापस गया, 20 किलोमीटर वापस गया, और मैंने वहाँ पूछा कि भाई मेरा अकाउंट एक्टिव नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि आपका अकाउंट तो कंप्लीट है, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें, तो आप करिएगा। हमने बोला कि नेट बैंकिंग लॉगिन नहीं हो रहा, तो बोले कुछ सर्वर डाउन होगा कि जो गूगल पे फोन पे वालों का, कुछ टाइम बाद ट्राई कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। मैंने वापस घर पे आ गया, उसके बाद फिर 3 दिन बाद वापस गया कि मेरा अकाउंट एक्टिव नहीं हो रहा है अभी भी। तो वहाँ पर बोला गया है कि आप दोबारा से अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड की 2 कॉपी दीजिएगा, हम आपका अकाउंट एक्टिव कर देंगे। तो मैं फिर से उन्हें आधार कार्ड एंड पैन कार्ड की 2 कॉपी देकर आया, लेकिन फिर भी मेरा अकाउंट इसमें कोई भी एक्टिव नहीं हो रहा था। मैं जब गूगल फोन पे से लिंक करने जा रहा था तो ये लिंक भी नहीं हो रहा था। उसके बाद जब फिर मैंने वापस से 4-5 दिन हो गया, मेरे अकाउंट एक्टिव नहीं हुआ, फिर से मैं गया, मैंने बोला कि भाई मेरा अभी तक अकाउंट एक्टिव नहीं हो रहा, मैं 4थी बार आ चुका हूँ। तो उन्होंने बोला कि हमारे लिए इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपके अकाउंट में क्या प्रॉब्लम। तो मैंने कहा आपका बैंक है और आपके बैंक में आपको समझ में नहीं आ रहा तो किसको समझ में आएगा। तो बोले हमारे से बात मत करिए, आप उनके पास जाइए। तो वहाँ पर जो मैडम थी उन्होंने बोला कि भाई हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है आपके अकाउंट में दिक्कत है, आप दूसरे वाले व्यक्ति के पास जाइएगा। तो बगल में एक मैडम थी उनके पास गया, तो उन्होंने चेक किया मेरा अकाउंट, से बोले आपका अकाउंट सब कुछ कंप्लीट है। उन्होंने मेरा मोबाइल लेकर के उसमें लॉगिन करने का प्रयास किया, बट कुछ भी उनके हाथ नहीं लगा। जब काफ़ी लंबा प्रयास करने के बाद सारी अकाउंट की डिटेल चेक की मेरी, तो बोले कि जिस कर्मचारी ने आपकी KYC की है उसने आपका आधार कार्ड मेंशन नहीं किया है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो उन्होंने मेरा आधार कार्ड नंबर लिया और उन्होंने मेरा आधार कार्ड जो है अपडेट कर दिया। उसके बाद बोले 3 दिन लग सकते हैं इसको अपडेट होने में और आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव हो जाएगा। तो भाई मैं वापस घर आ गया, बोले आप 3 दिन बाद फिर से चेक करिएगा, आपका अकाउंट लिंक हो जाएगा। फिर से मैं 3-4 दिन बाद वापस गया बैंक में। सो यहाँ पर बोले कि आपका अकाउंट तो सब कुछ कंप्लीट है अब। तो मैंने कहा ये लिंक नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि हम आपका अकाउंट कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारी खुद समझ में नहीं आ रहा कि आपके अकाउंट में क्या प्रॉब्लम है। सो फाइनली मैंने बोला कि भाई मेरा पैसा वापस कर दीजिए, आप जो मेरा पैसा इसमें मैंने 1000 रुपये डाला है, मैं कोई बात नहीं अकाउंट को बंद करा दूंगा। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि पर्ची भरिए, आप कैश काउंटर पर जाइएगा और अपना पैसा निकाल लीजिएगा, तो मैंने पर्ची भरी 1000 रुपये की और उसमें वापस किया। तो उन्होंने बोला कि आपके अकाउंट में तो सिर्फ 180 रुपये पड़ा है। मैंने बोला 1000 रुपये मैंने डाला था, मेरा पैसा कहाँ गया? और मैंने चेक कराया कि मेरा पैसा कहाँ गया इस अकाउंट, मैंने तो कुछ यूज किया ही नहीं, मेरे पास ATM भी नहीं है और नेट बैंकिंग नहीं चल रहा है कि मैं ऑनलाइन निकाल लूँगा पैसा। सो उन्होंने बोला कि आपके अकाउंट पर चार्ज लग गए हैं। सो उन्होंने बोला कि ये पैसा आपका वापस नहीं आ सकता है, आप ऊपर जाइएगा, ब्रांच मैनेजर से बात कर लीजिएगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्या। और मैंने ब्रांच मैनेजर से बात की तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये हम पैसा आपको वापस नहीं दे सकते हैं। तो उसके बाद मैंने बोला क्रेडिट कार्ड क्या होगा मेरा, तो बोले आपका जो अकाउंट है
उसकी कंप्लीट केवाईसी नहीं हो पा रही है, इसलिए आपके लिए क्रेडिट कार्ड भी नहीं मिलेगा। मैंने बोला कि इस अकाउंट को बंद करा दीजिएगा, मेरा पैसा वापस दे दिए 1000 रुपए। बोले 1000 रुपए तो आपको नहीं मिलेगा, जितना इसे पड़ा है 180 रुपए वो आपको वापस मिल जाए। बोले ये अकाउंट बंद भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसकी फुल केवाईसी नहीं है। अकाउंट बंद भी नहीं करेंगे, अकाउंट को पूरी तरीके चालू भी नहीं करेंगे, जो पैसा इसमें डाला 1000 रुपए वो भी वापस नहीं देंगे आपका पूरा। उन्हें बोला कि 180 रुपये पड़ा हुआ है, तो आप 100 रुपये अपने बैंक अकाउंट से निकाल लीजिएगा, क्योंकि बाकी छुट्टे पैसे यहाँ पर है नहीं। सो भाई मैंने फाइनली 100 रुपये की पर्ची भरी, और 100 रुपये पर्ची भर के अपना पैसा निकाला, 100 का नोट, और पर्स में रखा, और सीधे ब्रांच से वापस आए। उसके बाद फाइनली भाई जो आपने मेरी कहानी सुनी, ये मुझे सुन करके ऐसा लगा जैसे कहीं RBI में मेरा खाता तो नहीं खुल गया गलती से। तो मैं टोटल 20 किलोमीटर गया और 20 किलोमीटर वापस आया। 40 किलोमीटर का सफर मैंने 5 से 6 बार किया। इसमें भाई मेरा कम से कम 500-600 रुपये का तो पेट्रोल चल गया, और मेरा 1000 रुपये डाला अकाउंट में वो भी गया। फाइनली मेरे लिए यहाँ पर 1500 रुपये के आसपास का चूना लग गया फोपट में। ना तो मेरे पास कोई अकाउंट आया, ना मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड आया, और इनके जो कर्मचारी का व्यवहार है ना भाई, वो बिल्कुल घटिया है। किसी प्रकार का इनके लिए कोई दिक्कत होता ही नहीं है। आपके अकाउंट में कुछ भी हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, सीधा मना कर देते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, आपके लिए जो करना है करिए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मेरे लिए थोड़ा आश्चर्य हुआ यार कि मतलब इस तरीके से लोग क्यों लूटा जाता है बैंक, सरकारी बैंकों में। कर्मचारियों के ऊपर कुछ भी यहाँ पर दबाव नहीं होता है, जो ये लोग करेंगे वो करेंगे मनमानी, जैसा इनको करना होगा वैसा करेंगे। बोले जहाँ आपको जो करना हो कर लीजिए, आपका पैसा वापस नहीं देंगे आप। सो ये रही यूको बैंक की एक छोटी सी स्टोरी। अगर आपका अकाउंट इसमें है और आप कितने परेशान हैं ये तो आप मुझे कमेंट बताएंगे। और आप अगर अकाउंट खुलवाने के लिए यूको बैंक में जा रहे हैं, उससे पहले इस वीडियो को देख रहे थे, तो मैं यूको बैंक के बारे में एक ही बात बोलूंगा, 8 2